आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और इसके अलावा जो है उनको लर्न कर लीजिएगा अगर आपसे नहीं हो पाए तो, क्योंकि अगर आपकी तैयारी है बहुत अच्छी, आपने तैयारी कर रखी है, तो फिर जरूर कर पाओगे। और पहला क्वेश्चन है जो आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एक तरफ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उसके बारे में जानकारी है, तो इसको आपस में मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ जिससे कि आप जो है इसको मैच करा पाओ। तो आर्टिकल 223 है, 217 है, 226 है, 215 है, 216 है। तो रिट जारी करने की हाई कोर्ट की पावर कौन से आर्टिकल में है, हाई कोर्ट के गठन के लिए कौन सा आर्टिकल है, और हाई कोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उसको बोलते हैं, तो उस पर है आपका ये। तो और जैसे कि आपने देखा था ना, पिछली बार SCS में सवाल आया हुआ था, उसमें राज्यपाल गवर्नर के तीन चार आर्टिकल लगातार थे और उनको दे दिया गया था। तो एक तरीके से आपको ये आर्टिकल्स याद करने की जरूरत रहेगी। और उसके बाद है आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है? तो ये हाई कोर्ट्स के वाले आर्टिकल्स हैं, इसको अगर आपने लर्न किया है तो आप कर पाओगे। तो एक बार इसको देखो कौन सा आर्टिकल जो है इसके साथ मैच करता है। तो चलिए मैं भी इसका जवाब आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने कोशिश करनी है इसके जवाब को लेकर। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिट के लिए, तो ये तो आपको जरूर आता ही होगा। तो 226 है आपका, ये आपका रिट जारी करने वाला आर्टिकल है, 226 आपने पढ़ा होगा, 32 और 226, ठीक है ना? तो यहाँ से आपको एक क्लू मिल गया। तो ये जो आपका ए का थ्री है, अब ए का थ्री हमें ये नजर आ गया, ठीक है, तो ये हमारा जवाब होना चाहिए क्योंकि ए का थ्री किसी में नहीं है। ये बात समझ रहे हो गए? ये 226 आपको आता था पहले से, लेकिन बाकी सारे आर्टिकल्स भी आपको याद होने चाहिए। अगर मान लो ये 226 नहीं होता, यहाँ पर चार ऑप्शन होते, तो हो सकता है आपसे सवाल का जवाब नहीं हो पाता, ठीक है? तो बी का आपका 5 है, ये आपका बी का 5 है, और 4 का आपका जो है जो सी है उसका 4 है, और डी जो है आपका, डी का आपका 1 है, और ई का आपका 2nd होना चाहिए। तो ये मेज द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट ईयर राज्यपाल के ऊपर इस तरीके का सवाल आया है। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करके दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इन आर्टिकल्स को याद कर लीजिए, ठीक है? अच्छा सवाल है, और संभावित हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने हमेशा यही कहा है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है, आपने एक बैल की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है? मतलब आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है? तो मेरी बात का बुरा मत मानना। तो सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, और बहुत ज्यादा पढ़ने से आप जो है आप टीचर बन जाते हो। तो 20 सवाल मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस पर बेस है, जो आप खुद से पढ़ने की कोशिश करते हो, किताबों का ढेर लगा होता है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हो। तो वो इस चीज का फर्क अगर आपने समझ लिया ना, तो आपका एग्जाम क्लियर है। इंटरेस्ट के बेस पे क्या होता है, कई बार हम बहुत सारी गैर जरूरी चीजें पढ़ जाते हैं, तो पढ़ते हुए इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है, और हमें एक्सपर्ट सपोर्ट की जरूरत इसीलिए तो पड़ती है, ठीक है? कि सवाल तो सारा 100 क्वेश्चंस का गेम है, ठीक है, वो आने जरूरी है, ठीक है? वहां तक अप्रोच कैसे बने, ये तो हमें कोई अनुभवी बता सकता है, ठीक है? कोई एक्सपर्ट्स एडवाइस से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मेरी बात को समझना। अगला सवाल आपने पढ़ ही लिया होगा, निम्नलिखित में से किस आम चुनाव के बाद राज्यों में गैर सरकारी सरकारें कायम हुई, ठीक है? तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब गैर कांग्रेसी सरकारें बननी शुरू हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही जब भारत देश आजाद हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनकर आई थी। तो इसमें आपके चार ऑप्शन है, 67, 71, 77, 1980। आसान सवाल है, आप में से कई सारे स्टूडेंट को आता भी होगा, बिल्कुल इसका 1967 जवाब है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश मार्च 1983 में गठित सरकारिया आयोग द्वारा नहीं की गई। देखो सरकारिया कमीशन पर बहुत दिनों से सवाल नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इसकी सिफारिशें। तो अब जो है इनको देख लेते हैं कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, और चार ऑप्शन है, एक बार मैं रीड कर देता हूं। पहला आपका, केंद्र राज्य समस्याओं को हल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर राज्य परिषद का गठन होना चाहिए, ठीक है? तो
इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 में है, तो ये ठीक है। समवर्ती सूची के विषय में कानून निर्माण से पूर्व केंद्र द्वारा राज्यों से परामर्श अनिवार्य होना चाहिए, तो ये भी आपका ठीक है। ठीक है, और योजना आयोग को विघटित कर उसके स्थान पर वैज्ञानिक तकनीकी वैधानिक इकाई का गठन किया जाना चाहिए, तो इस बात की सिफारिश जो है सरकार या कमीशन में नहीं की थी। देखो, सरकार या कमीशन जो था वो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के ऊपर था आपका, ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में रिलेशंस को लेकर ये कमीशन बनाया गया था, और अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स में जो है इस पर सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो एक सवाल मैंने यहाँ पर रख दिया है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं, इसको भी, ये भी मेज द फॉलोइंग है और आपका जो है ये आर्टिकल्स के ऊपर है, 249, 248, 250 और 253, ठीक है, तो आपस में मेज करना है, तो देख लेते हैं इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो राज्य सूची के विषय के संबंध में नेशनल इंटरेस्ट में कानून बनाने की शक्ति, तो 249 में है, ये तो आपको पता ही है कि राज्यसभा की स्पेशल पावर्स हैं जिसमें 249 और एक आपका 312 होती है, और ये सवाल आपका SCS में भी आया हुआ है, 2019 वाले पेपर में सवाल था कि जो जो आपका सेंटर है, यूनियन है, क्या वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकता है। तो अब हम देखें यहाँ पर इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, ये इसको आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको ना जानते हो, सबको आता होगा बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन इनका भी तो पता होना चाहिए ना, इनको भी आपने याद करना है। तो यहाँ से हमें जवाब जरूर मिल गया कि ए का वन है, तो ए का वन अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका ए का वन हो गया, और ए का वन और बाकी में किसी में नहीं है। देखो, एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, एलिमिनेशन आना चाहिए, हम टेस्ट सीरीज की जो बात करते हैं हमेशा, वो इसलिए करते हैं कि क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए बार बार, और उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए जो आप एक्सपीरियंस करते हो, फील करते हो, उसके हमें बेनिफिट्स होते हैं आगे हमारे एग्जाम में, जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पर होते हैं। ठीक है, रेजुलरी पावर्स आपकी 248 में है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके अलावा आपातकाल के परिवर्तन की स्थिति में और स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने की बात 250 में, इमरजेंसी के टाइम पर 250 आर्टिकल है जिसमें जो है यूनियन स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकता है, और इंटरनेशनल जो आपके एग्रीमेंट होते हैं उसके लिए आर्टिकल 253 है, ठीक है, 253 है, यानी कि इसका जवाब हो गया आपका ए। सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको लर्न कर लीजिए, और उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये भी आर्टिकल्स पर ही रखा गया है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर आया है उसमें आर्टिकल्स पर सवाल आ रखा है, इस बार भी मुझे लगता है कि सवाल आएगा, इसलिए मैंने कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड आर्टिकल्स आपके लिए लाएं और उनको शेयर करें आपके साथ। तो इसका ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, ये भी मेज द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो ये यूनियन और स्टेट के नाम आपके आर्टिकल वन में होते हैं, ठीक है। देखो, सवाल को अगर हम टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो एक घबराहट होती है टेस्ट के नाम की, वो खत्म हो जाती है, किसी चीज को आप बार बार करते हो तो उसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है, इसलिए मैं हमेशा सभी से कहता हूँ कि आपने मान लो अगर क्रिकेट खेलना है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो देखने से क्रिकेट नहीं आता है, जब तक आप बैट लेकर मैदान में नहीं उतरोगे तो आप क्रिकेट खेलना नहीं सीख सकते, ठीक है, या बैडमिंटन है, देखने से किसको आता है, तो इसलिए आप हमेशा जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, उनको प्रैक्टिस करिए, और हमने कई सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं ऐसे, तो आप हमारी हेल्प लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी किया जाए तो वो किए जाए ना जो जिसमें से हमें कुछ उम्मीद बनती हो हमारे लिए, ठीक है नहीं, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर करने लग जाओ, हमारे बाजार से 100-150 रुपए की कोई प्रीवियस ईयर की आप गाइड लिया यार, आप प्रैक्टिस करने लग गए, ठीक है। तो SCS का एग्जाम का जो लेवल एक अलग लेवल है और इसको समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो ए का वन है, अब ए का वन इसमें आपका ए भी है, सी में भी है, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, यहाँ से आपको क्लू मिल गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बी का 3 होगा कि 2 होगा, तो अगर हम यहाँ पर इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, तो अगला है आपका राज्यों का निर्माण, ठीक है, राज्यों का निर्माण, और इसको अगर हम देखें तो इसका होना चाहिए आपका और अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है, तो हमारा ए का जो था ये तीसरा वाला पार्ट था, ठीक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल वन जरूर है, ठीक है, तो देखो कितना जरूरी होता है, कई बार ही सिली मिस्टेक्स होती हैं, ये चलो आपके सामने कैसा कुछ हुआ तो, और मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ वीडियो में से, क्योंकि आप भी इस बात को एक्सपीरियंस करें कि कई बार हमसे आते आते हुए सवाल भी डिलीट जो है ना गलत हो जाते हैं, उसको सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, ठीक है,
हम देख रहे हैं कि हम आर्टिकल वन यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हमने उसको जो है वन वाला ऑप्शन देखकर यहाँ पर वन कर दिया। तो यहाँ पर जो है इसका तीसरा वाला ऑप्शन है ए का थ्री है, ये आपका ए का थ्री है। तो ए का थ्री है तो यहाँ तो सिंगल ही हमें ए का थ्री नजर आ रहा है, ठीक है नी। तो यहाँ हमारी किस्मत देखा, अब तक हमने तीन सवाल किए हैं, हमारी किस्मत हमारा बड़ा साथ दे रही है। लेकिन अगर मान लो किस्मत साथ ना दे आपको, इसके बजाय ये होते लगे हुए, तो फिर शायद दो में तीन में टू के में क्या है तो पता होना चाहिए। वैसे इसका जवाब बी होगा। तो बी का आपका ये है राज्यों का निर्माण आर्टिकल थ्री है। जैसे आपने देखा होगा ना, ये झारखंड हो या हरियाणा बनाया पंजाब से अलग होकर, हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया है, तो आर्टिकल थ्री है इसके लिए। और इसके बाद है आपका सिक्किम का संघ के साथ जुड़ना, यानी कि कोई नया स्टेट जुड़ जाए, ठीक है, तो और राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। तो सिक्किम का संघ के साथ जुड़ना सी का है आपका चार, और राज्यों का प्रवेश ये है आपका दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनको आपस में मैच करा दिया है। तो इसका बी जवाब है, इन आर्टिकल्स को बहुत पक्के तरीके से याद कर लो। और किस तरीके से आपने एक चीज देखी कि हमसे एक सिली मिस्टेक होते होते रह गई, और इस पार्ट को मैं यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ, जिससे कि आप भी इस बात को एक्सपीरियंस करें कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कितने कितने जरूरी होते हैं, ठीक है ना, पढ़ने के अलावा। सिर्फ पढ़ने से काम थोड़ी चलता है। चलिए, तो अब उसके बाद है अगला, नेक्स्ट है आपका स्टेट और सेंटर के रिलेशंस, और एक और है आपका कि भी ये कमेटियां बनी है, कब कब आई है। सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है अभी हाल फिलहाल में, इसलिए दो सवाल इस पर हमने और रख दिए हैं। तो अब आप देख पा रहे हो इसके अंदर कि इनको हम मैच करवा देते हैं। अगर हम इनको मैच कराएं तो इसका जो जवाब आपका होगा इसका, तो देख लेते हैं, इनकी इफेक्चुअल है, थोड़ा सा इसकी डेट मैच करानी पड़ेगी। राजमन्नार कमेटी आपकी 1969 की है, और उसके बाद है आपका शीतलवाड़ कमेटी, तो ये जो है ये है आपकी 1966 की है, और सरकारिया कमीशन जो था आपका, और अगर इसके उसको देखें तो ये है आपका ये 1983 की है, और पुंछी कमीशन आपका 2017, यानी कि बी जवाब आएगा इसका ये वाला, ठीक है। तो बी आंसर है इसका। तो इनके ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा ईयर आपने याद करने पड़ेंगे, तो उसको आप लर्न कर लीजिए। और इसके बाद अगला देखते हैं, भारत के जो न्यायाधीश हैं उनका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो आपके न्यायाधीश रहे हैं चीफ जस्टिस, तो उनका ऑर्डर बताना है इसमें। और ऑप्शंस हैं आपके सामने कई सारे, के जी बाला कृष्णन है, एस एच कपाड़िया हैं, हिदायतुल्ला हैं, एम एम पुंछी हैं, और पतंजलि शास्त्री हैं। तो अगर इनके ऑप्शंस को हम देखें तो इसका अगर मतलब आपको इनके ईयर याद होने चाहिए तभी तो आप कर सकते हैं उसका। तो ये आपका इसका डी है, यानी कि 53412। आप इनके ईयर वगैरह याद कर लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर आइडिया दे दिया है कि अगर आपने जो आपके न्यायाधीश रहे हैं अगर आपने उनका ईयर वगैरह याद नहीं किए हैं तो आपने वो सब याद करने होंगे। और ये आप इसको आज ही याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार होता है ना कि भूल लग जाती है और हम जो है उसको याद नहीं कर पाते, ठीक है। तो टेस्टों से हमें ये भी पता चलता है, ठीक है, तो कि भाई कोई चीज़ हमारी छूट तो नहीं गई है, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। और 65 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज हमने अभी शुरू की है, जिसमें आपके 33 तो सब सेक्शन में हैं टेस्ट, और इसके अलावा 16 फुल टेस्ट उसमें रखे हुए हैं, और करीब 7 उसके अंदर आपके सेक्शन वाइज हैं, ठीक है, यानी कि सब सेक्शन वाले अलग हैं और सेक्शन वाइज अलग हैं आपके, और 6 हमने करंट अफेयर्स के रखे हैं, फुल टेस्ट भी हमने रखे हुए हैं, और कुछ सी सेट के भी इसके साथ जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो उसकी डिटेल आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे मिल जाएगी और हमारी ऐप पर भी मिल जाएगी, वेबसाइट पर भी। अगला आपका है मैरिज है, विवाह है, एग्रीमेंट है, लेबर रिफॉर्म्स हैं, आर्थिक सामाजिक योजना है, तो इसको किस लिस्ट में रखा गया। देखो लिस्ट के ऊपर SCS में पिछली बार भी सवाल था, 2019 में भी सवाल थे। तो ये जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बड़ी मेहनत से जो है ना, बहुत सोच विचार कर इन सबको हम तैयार कर रहे हैं इस बार के लिए, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए, बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो बताओ इसका जवाब क्या हो सकता है। तो आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, ठीक है नहीं, और आपको आता होगा यकीनन, मुझे इस बात का वो है कि आप ज़रूर
आपको आता होगा, कौन करंट लिस्ट है आपकी, ये कौन करंट लिस्ट है। उसके बाद बैंक, मुद्रा, प्रतिरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, ये किसमें आता है, तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके होते हैं तो वो आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं, ठीक है। ये आपकी संघ सूची में है, यूनियन लिस्ट में। और उसके अलावा पुलिस हो गया, न्याय है, जेल है आपका, और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर है, ये आपका स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो तीनों के इंपोर्टेंट यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए हैं इन क्वेश्चंस के जरिए, जो कि आपको बहुत अच्छे से पक्के से याद होने चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, कौन है जिन्होंने भारतीय संविधान को संघात्मक और एकात्मक शासन का सम्मिश्रण कहा है। देखो SCS में ऐसे सवाल आते रहे, ठीक है। हर सवाल की अपनी एक नेचर होती है, जो GK वाला सेक्शन है वो UPSC में भी होता है, उसको GS बोल देते हैं, और ये ग्रुप बी में भी होता है, और ये SCS में भी होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि हम अपने इस एग्जाम के लिए किस लेवल पर रहे, ठीक है। तो आप कैसे समझोगे, आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपकी मदद करेंगे, और आप मदद लेने में संकोच ना करो, क्योंकि आपकी कामयाबी के लिए ही तो सब कुछ हो रहा है। चलिए तो अब इसका जो जवाब है वो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ये है आपका DD बासु ने ये बात कही है, ए ऑप्शन है इसका, और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया था, और इसका जो है ऑप्शन, चार ऑप्शन है आपके सामने, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है और आपको आता भी होगा 1953 में। देखो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स आप जरूर जरूर करो, और जिससे कि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ पर चल रही है, और तीन इसमें मेंबर थे फजल अली आयोग में, तो और जो है कौन थे इसके अंदर, तो हम बता देते हैं। तो इसके अंदर जो आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो इसका जवाब है आपका ये B और C, KM पणिक्कर और HN कुंजरू, ठीक है। तीनों जो है फजल अली और KM पणिक्कर, कुंजरू याद होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं कि इनके गठन का क्रम बताना। देखो एक और आपके पास हिंट आ गया कि स्टेट का जो गठन किया गया है, जैसे मान लो मैं हरियाणा की बात करूं, आप हरियाणा से हो, आपको पता ही है 1966 में बना है, लेकिन जो और स्टेट हैं उनका भी तो आपने ऑर्डर याद होना चाहिए कब कब बने, और ऐसे सवाल हमें मिलते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैं इसका यहाँ जवाब बताना चाह रहा हूँ, तो वो आप अपने से अपने सर्च करके उसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है इस तरीके का सवाल इस बार के लिए। तो चलिए, तो इसका जो जवाब होगा आपका वो सी जवाब है, 2, 4, 3, 1। पहले आंध्र प्रदेश बना है, फिर महाराष्ट्र बना है, फिर आपका कर्नाटक है, फिर गोवा है, फिर आखिर में उत्तराखंड है। तो सी जवाब है, इम्पोर्टेंट है। अधीनस्थ न्यायालयों को निरीक्षण एवं नियंत्रण का पूर्ण अधिकार किसे प्राप्त है, तो सबोर्डिनेट कोर्ट्स की बात है, तो हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्रीय संसद, ये आपका आएगा D। तो इसमें जो है आपका ये जवाब आएगा सुप्रीम कोर्ट, ये जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और निम्नलिखित में से किसने कहा कि जनमत लोगों के मस्तिष्क की वे धारणाएं हैं जो वे अपने बारे में तथा अपनी आवश्यकताओं, उद्देश्यों एवं संबंधों के बारे में रखते हैं, ठीक है। देखो ये जो सवाल है इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और SCS अगर 2013 की हम बात करें, ठीक है, तो उसमें 2 या 3 सवाल इस तरीके के थे, तो वो भी हम अपने टेस्टों के जरिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर मान लो उस तरीके का ट्रेंड आ जाए तो आप तैयार हो। इस सवाल का जवाब कोई बताओ, जवाब आप दीजिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं हम अपने जो अपने स्टूडेंट्स को हम टेस्टों में धीरे धीरे सबको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसी में से मैंने रखे हैं, और इसका जो जवाब होना चाहिए तो यहाँ पर इसका जवाब है लिपमैन, ठीक है, लिपमैन है, इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमें SCS 2013 और 11 वाले में हमें मिले हैं, 11 वाला पेपर भी आप देखिएगा। तो अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसका कथन है सतर्क और सुविज्ञ जनमत प्रजातंत्र का आवश्यक तत्व है। अगर आप 2011 वाला पेपर भी देखोगे ना, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं हमारे एग्जाम में, और 13 में भी देखा गया है। तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका जो जवाब है आपका ये आशीर्वादम का है, डी जवाब है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिए। अगला आपका, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है, तो डी है आपका, तीनों है, आसान सवाल है, ठीक है, स्टेट और यूनियन के जो रिलेशंस हैं। और अगला है आपका, स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से किस पार्टी के गठन का जातीय आधार पर
गठन हुआ था। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, आसान सवाल है बिल्कुल, आपने पहले किया भी होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब दे सकते हो। इसका सी ही जवाब है, जस्टिस पार्टी भी थी और इंडिपेंडेंट पार्टी भी थी, दोनों थी आपकी, तो जाति के बेस पर हुआ था इनका गठन। अगला है, जाति तथा राजनीति के मध्य संबंधों पर आधारित रजनी कोठारी की पुस्तक कौन सी है? तो रजनी कोठारी की किताब का नाम पूछा गया है, फेमस राइटर है, पहले भी सवाल इन पर आते रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो आप भी देखो एक बार, बिल्कुल इसका सी जवाब है, पॉलिटिक्स इन इंडिया और कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, दोनों किताबें इनकी हैं और इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला सवाल एक और देखते हैं, ये एक और स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाले सवाल हमारे एग्जाम में आए हैं, तभी तो मैं आपसे इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीएस जो है वो यूपीएससी के लिए भी होता है और ग्रुप बी के लिए भी होता है, ठीक है, उन्होंने वही जीएस या जी के लिखा हुआ है, लेकिन एससीएस के लेवल को समझने की जरूरत है। तो अगला है आपका, 20वीं सदी की भारतीय राजनीति के बड़े संकटों की जड़ में राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता दो महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। राष्ट्रवाद तो आकांक्षा रही है जबकि सांप्रदायिकता बीमारी, और इन दोनों ने अपने अपने तरीके भारतीय राजनीति के स्वरूप का निर्धारण किया है, कथन है, किसका स्टेटमेंट है? तो चार है आपके, वी आर मेहता, रजनी कोठारी, वीपी वर्मा। तो अगर हम देखें इसका जो जवाब है वो देख लेते हैं एक बार, मैं इसका जवाब बस आपको बताता हूँ। तो इसका जो जवाब है आपका वो है वी आर मेहता, यानी कि जवाब इसका ए आएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें ये मेज द फॉलोइंग क्वेश्चन है, गोलकनाथ बनाम राज्य, ये मेज द फॉलोइंग है, और ये चार केस दे रखे हैं, उनके ईयर पूछा हुआ है कि कौन से ईयर का, गोलकनाथ केस कब आया, सज्जन सिंह केस कब आया और गोपालन कब आया, क्योंकि एक बार जो है ना केशवानंद पर सवाल पूछा हुआ है जैसे मुझे याद आ रहा है, तो इसलिए सवाल रख दिया गया है कि भाई आप और जो केस बनते हैं यहाँ से आप लर्न कर लीजिए। तो इसका जो आंसर है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो इसका जो जवाब आएगा आपका ये सी जवाब है इसका। तो ये जो कि पहला है आपका गोलकनाथ वाला 1950 का है, और ए के गोपालन का जो है आपका 1952 का है, और इसके अलावा शंकरी प्रसाद का पहला है, और सज्जन सिंह का आपका ये वाला है, ठीक है, तो सी आंसर है और फैक्चुअल है इंफॉर्मेशन, लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद होनी चाहिए, आप इसको लर्न कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसमें है आपका जो जनहितवाद है या आपका लोकहितवाद है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पिल वाला, तो उसके क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, और इन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ये पीड़ित पक्ष न्यायालय जाने में असमर्थ हो तो आ सकता है, या किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है, सही बात है, याचिका जो है लोकहित में होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ये डी जवाब है, सब आएगा। और जो पिल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, पीएन भगवती ने इसको शुरू कराया था, ये इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा इंटरव्यू में मेंस में भी पूछ लिया जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू को सीमित की गई शक्ति को पुनः बहाल कर दिया गया, फिर से जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर को बढ़ाया गया, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन है, चार अमेंडमेंट दिए हुए हैं, और इसमें 42nd अमेंडमेंट है, 43rd अमेंडमेंट है, 44th है, तो ये आपका 43rd अमेंडमेंट है, याद होना चाहिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और कि हाई कोर्ट जो आपका सुप्रीम कोर्ट है तो उसके द्वारा घोषित कानून के तहत सभी जो न्यायालय हैं, ठीक है, उनको प्रतिबंधित घोषित कानून के तहत सभी न्यायालय प्रतिबंधित हैं, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इम्पोर्टेंट है ये भी, और इसके जो ऑप्शंस हैं तो यहाँ पर मैं इन्हें टिक कर देता हूँ, तो ये है आपका सी, इसका सी जवाब है आर्टिकल 141। तो आप इसको एज इट इज लर्न कर लीजिए, और ये पीडीएफ जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसको हमने यहाँ पर टिक भी किया हुआ है, टिक करे करे हैं, और वीडियोस आपके सामने बनी रही है, तो इसको आप 2-3 बार देखिए और इन फैक्ट्स को याद कर लीजिए। अगला है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसके भी ऑप्शंस देख लेते हैं, और इसमें है आपका बी जवाब है इंग्लिश लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं,
और बस थोड़ा सा रहता है अभी, अपना जो है सब्र बनाए रखिए, सब आपके काम की बातें हैं। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि न्यायपालिका द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, ठीक है? तो इसका जो जवाब होना चाहिए, तो इसका जो जवाब है, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन से आपके आर्टिकल्स हैं इसमें। तो आपका आर्टिकल 122 है, आर्टिकल 122 है, इम्पोर्टेंट है। 122, 123 तो आप जानते ही होंगे, ऑर्डिनेंस वाला है, ये 122 है आपका। इसके अलावा जो आपके स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स का भी आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। तो सोमनाथ चटर्जी, जीएमसी बालियोगी, मनोहर जोशी, जीवी मावलंकर, मीरा कुमार, तो एक और आपको यहाँ पर काम करना है। तीन काम मिल गए हैं अब आपको, कि आपने स्पीकर का भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करना होगा, ठीक है? चलिए मैं इसका जवाब आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप इसको लर्न कर लीजिए। पहला ही आपका 3, 2, 4, 1, 5, इनका ऑर्डर आप पक्का याद कर लो, फैक्चुअल है, तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संसद स्टेट सूची के विषय पर कानून बना सकती है अगर, ठीक है? तो ये जो दिया है कि 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है राज्यसभा, राज्यसभा तो होता है, या इमरजेंसी भी होता है, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट में भी होता है, यानी कि इसका जवाब जो है आपका डी होना चाहिए। डी जवाब है बिल्कुल। अगर आपको ये सब सवाल आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में इनके जवाब करो, नहीं तो आप इनको याद कर लो, ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मतदान पद्धति द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है? तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका जो जवाब है आप भी कोशिश करो। तो ये आपका प्रत्यक्ष परंतु खुला मतदान, तो इसका बी जवाब आएगा। और उसके बाद है आपका अगला, कि कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा लोकसभा की अवधि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। और इसका जो जवाब होना चाहिए, तो एक बार मैं चेक करता हूँ और फिर मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। बिल्कुल 352 है आपका, ये जो आपातकाल वाला है। उसके बाद है आपका नेशनल इमरजेंसी वाला, तो कितने दिनों तक बिना अनुमति के अगर कोई एब्सेंट रहता है सदन का सदस्य, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, तो ये आपके 60 दिन होता है, ठीक है, 60 दिन होता है इसमें। ये आपके आर्टिकल्स के ऊपर है, एक और सवाल, ठीक है, एक और सवाल आपका आर्टिकल्स के ऊपर है, और इसमें 66, 63, 65, 64 तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो इसका जो जवाब है, तो ये आपका उपराष्ट्रपति के लिए, तो एक बार देख लेते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 है, तो 63 है, तो मतलब ये आपके सी और डी में से कोई एक होना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं, राज्यसभा का सभापति होता है, तो इसके लिए आपका ये 64 है, तो इसका सी जवाब आएगा, ठीक है, तो सी जवाब आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जिन पर मैंने अभी आपसे बात की है, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। बाकी हमारे जो स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम चले हुए हैं, उनको आप याद उन्हें आप देख सकते हो। टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम भी चले हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए, जैसी आपकी ज़रूरत है, आप हमें बता सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। तो बस मैं अपनी बात यहीं पर रोकता हूँ, अगली वीडियो में जो है हरियाणा करंट अफेयर्स पर मैं आपसे बात करूँगा। चलिए तो अभी यहीं रुकते हैं, थैंक यू वेरी मच। You can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper, and NAIP Tahsildar. You can also crack HTET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab TCS, HPAS. You can also crack all the exam with our guidance, our study material and all type of our help. Our helpline numbers are 860-7570-992, 9728-926678. हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और
ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि